अयोध्या लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के क्रम में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री सुबह 11:30 बजे अयोध्या में माया बाजार में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे और फिर वहां से कार लेकर दोबारा मंच पर पहुंचे। इस दौरान हर मोदी घर घर मोदी के जोरदार नारों के साथ मंच पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहब का अम्बेडकर का नाम जिस शहर के जुड़ा है, मैं वहां आकर धन्य महसूस कर रहा हूं। आपका प्यार मेरी पूंजी है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है, देश के स्वाभिमान की नगरी है। भारत सरकार ने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की 130 करोड़ की आबादी का सम्मान बढ़ा है। भारत की सुरक्षा का मामला हो, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, या फिर इस देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हो, जिस प्रकार से सबका साथ और सबके विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हर चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हुआ, उसी प्रकार से 130 करोड़ की आबादी को वैश्विक स्तर पर भी सम्मान दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरवान्वित हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण इस देश के अंदर जिस तरीके से पूरे देश को एक नया सम्मान प्राप्त हुआ है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।